सलाम पास्टर जी। राम बेटा, जीते रहे आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है खुदावन का, अब मैं ठीक हूँ। खुदावन का शुक्र करते हैं बेटा। पास्टर जी, मैं ना अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाह रही थी। मुझे ना लास्ट ईयर डायग्नोस हुआ था मेरे गॉल ब्लेडर में। मैं सबको बता देना चाहती हूँ गॉल ब्लेडर एक्चुअली पित्ते को कहते हैं, और मुझे उसमें डायग्नोस हुआ था पॉलिप। तो पॉलिप इज अ काइंड ऑफ जैसे सिस्ट होती है ना, उस तरह से था। और ये मेरा 3.5 mm का जो था ना, मतलब मुझे डायग्नोस हुआ था। फिर मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी और उन्होंने बोला था कि अगर इसका साइज इंक्रीज करता है तो हम इसको ऑपरेट करेंगे। फिर मतलब ऐसे ही मैं मेडिसिन ले लेती थी, देन छोड़ देती थी। मतलब ऑन एंड ऑफ मेरे से चल रहा था, पर मैं डॉक्टर के पास नहीं थी जा रही। अभी 2 वीक्स पहले मुझे जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी। मतलब पहले मुझे कभी ऐसी पेन नहीं हुई थी, अभी पेन मुझे बहुत ज़्यादा थी। और मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना दोबारा से अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो देन उसमें पता चलेगा कि अगर तो इसका साइज इंक्रीज हुआ तो हम इसको ऑपरेट करेंगे, अगर तो जितना है उतना ही रहेगा तो फिर एज इट इज ही रहेगा, फिर आप मेडिसिन ले लें। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा होती थी। और लास्ट नाइट ऐसा हुआ कि मैं, जैसे हम लोग अपनी रेगुलर प्रेयर करते हैं रात वाली दुआ में कर रही थी, तो उसमें ना मुझे अचानक से ना पेन, मतलब थोड़ी थोड़ी करते बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। बट ये है कि मैंने अपनी प्रेयर कंटिन्यू की और ड्यूरिंग प्रेयर मैंने ना एक रोज देखा, रेड रोज। और फिर उसके बाद मैं दुआ जो है, मतलब मैंने अपनी पूरी कंप्लीट की और मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी, इतनी स्वेयर कि मैं मतलब बता नहीं सकती कि मैं बहुत ज़्यादा रात को जाना दर्द में रहेंगे। देन सुबह मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान थे, हमने फिर सोचा कि सुबह जाके ना अल्ट्रासाउंड करवा ही लेते हैं, मतलब पता ही चल जाए कि क्या होगा। तो पास्टर जी, जब मैं मतलब मैं मेंटली मतलब थोड़ा प्रिपेयर होके जा रही थी कि चले मैं ना ऑपरेट करवा लूँगी, जब मैं गई अंदर डॉक्टर के पास तो मैं जबूर 23 जो है वो पढ़ रही थी। अच्छा, उन्होंने जब मुझे चेक करना स्टार्ट किया तो वो बार बार चेक करी जाए, मुझे लगा कि शायद ना मेरा मसला कुछ ज़्यादा ही है जो ये बड़ा डिटेल्ड मतलब चेकअप कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो आई वाज शॉक्ड कि उन्होंने बोला कि वो जो मतलब आपके गॉल ब्लैडर में माइनर सा भी पॉलिप नहीं है। तो मैं जी इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मतलब मुझे था कि चले अगर साइज इंक्रीज नहीं करेगा तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ना मौजा है कि खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी, और इवन कि मैं कहती हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। तो मैं खुदावंद का जितना शुक्रिया अदा, आप लोग दुआ करते हैं और हमें इस मतलब पैनल पे, इस पैनल के थ्रू हम लोग जो है ना रात में बैठ के सब प्रेयर करते हैं। तो मैं तारा इज्जत जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासी को देते हैं। बेटा, खुदावंद आपको अपने घर में मेवादार ताक रखें, आप अपने घर में बरकत का सबब रहें, और खुदावंद आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और ना सिर्फ आप अपने घर के लिए बरकत का बायस हो, यीशु की कलीसिया के लिए भी बरकत का बायस हो। ये बेटी आसिफ भाई की वाइफ है, मिसेज आसिफ है। ये वही जोड़ा जो सबको चीख चीख कर बताता है कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर दुआ करते हैं, और जिस भी इशू के लिए दुआ करते हैं हमारे हर्डल्स हमारे उठने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह सारा नासरी को देते हैं। बेटा, खुदावंद खुदा आपको बहुत बरकत दे, मेवादार ताक रहे, स्पिरिचुअली फाइनेंशियली फिजिकली ब्लेस्ड होती रहे, और खुदावंद आप अपने जलाल के लिए कसर से इस्तेमाल करें।